Hello everyone and welcome to the channel Speak and Span Learning. Today we are going to read class 6 moral science book Values Speak chapter number 4. Name of the chapter is The Real Hero. Let's start the chapter. A real hero is the person who does not lose his mind when he needs it most. Real hero kise hain? तो रियल हीरो एक ऐसा पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज़रूरत के समय अपने मेंटल पावर को अपने माइंड को दिमाग को धैर्य को ना खोए द यू एस एयरवेज फ्लाइट फिफ्टीन फोर्टी नाइन स्टार्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू चारोट एट थ्री ट्वेंटी फाइव पी तो यहाँ एक कहानी है जिसमें यू एस एयरवे फ्लाइट जो कि 1549 में न्यूयॉर्क से चार की तरफ रवाना हुआ एट 3:25 पीएम यानी शाम के तीन बज के पच्चीस मिनट में द प्लेन हैड जस्ट लेवल्ड इन द एयर वैन एंड एक्सप्लोजन हर्ड जैसे ही प्लेन हवा में उतरा उसी वक्त एक एक्सप्लोजन एक यानी धमाका सुनाई दिया द पसेंजर्स कुड सी द फ्लेम्स आउटसाइड द विंडो पैसेंजर्स बहुत ही आसानी से फ्लेम्स यानी वहाँ से आग की लपटों को विंडो से खिड़की से बाहर देख सकते थे इनफैक्ट बोथ इंजनस है लॉस्ड एंड देर वॉज नो पावर इन द प्लान नाव अब प्लेन के दोनों ही इंजन ख़त्म हो चुके थे और प्लेन के पास कोई भी दूसरा पावर नहीं था जिससे कि प्लेन आगे चल सके इट वाज स्टोन क्वाइट इन द प्लेन एज द पैसेंजर्स प्रेड फॉर द सेफ्टी दे लुक्ड अराउंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू स्टोन क्वाइट यानी कंप्लीटली साइलेंस अब पूरे प्लेन के अंदर शांति छा गई क्योंकि वो सभी अपनी अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए प्रे कर रहे थे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें द प्लन ग्लाइडेड ओवर द जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज एंड हेडेड टूवॉर्ड द न्यूयॉर्क सिटी अब प्लेन जो है जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से आगे बढ़ते हुए न्यूयॉर्क की तरफ आ जा रहा था इट्स स्लोली डिसेंडेड टू लोवर हाइट्स डैट नाउ द रिवर वाटर वॉज क्लेअर्जल और ये प्लान धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है जहाँ पे एक रिवर था जिसके वाटर को क्लियरली वहाँ से देखा जा सकता था द पायलट चेस्ली सलेंट बर्गर कॉल्ड फ्रॉम हिज कॉकपेट ब्रेस फॉर एम्पैक्ट वहाँ कॉकपिट, यानी जो पायलट जो उसे चला रहे थे उनको पायलट चेस्ली ने ज़ोर से आवाज़ दी और कहा ब्रेस फॉर एम्पैक्ट यानी कि इसके नतीजे को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए ही इंटेंडेड टू लैंड द प्लेन इंटर द रिवर एज इट कड बी द सेफेस्ट प्लेस एंड ही वॉज राइट विच वॉज़ प्रोफ्लेट तो पायलट ने ऐसा कहते ही प्लेन को उस तरफ लैंड करने यानी रोकने का तरीका सूझा उन्हें और उन्होंने यही किया जो आगे चल के बिल्कुल सही साबित हुआ उन्होंने जो ये डिसीजन लिया था कि रिवर में ही प्लेन को लैंड किया जाए ये बिल्कुल सही निकला सम पैसेंजर्स लॉकड आर्म्स सम क्लाश डाउन एंड अदर्स पेड गॉड क्लचिंग डर आर्म रेस्ट अब सारे पैसेंजर्स घबराए हुए थे तो कुछ लोगों ने अपने आर्म्स अपनी बाजुओं को पूरी तरह से जकड़ लिया लॉक कर लिया कुछ जो है नीचे झुक कर क्रंच यानि बैठ गए अप गॉड से प्रे करने लगे और कुछ ने तो अपने हाथों को रेस्ट की मुद्रा में क्लच यानि पकड़ के रखा The plane went down and down, and touched the icy water of the Hudson River. टेन seconds later, तो plane धीरे धीरे उसी river की तरफ जाता है जो river था hudson रिवर Just 10 seconds में वो वहाँ pe लैंड करता है और उसमें जो वाटर था that was icy वाटर यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था ऑल पैसेंजर्स वर ऑल right, बट दे हैड टू स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ द प्लेन alive. सारे पैसेंजर्स सही सलामत थे लेकिन उस प्लेन से जिंदा बाहर निकल पाना ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था वाटर वॉज एंकल डीप ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड द प्लेन हैड टू बी अबैंडन ऑलमोस्ट इमीडिएटली वाटर एंकल डीप यानी उनके एंकल तक इतना वाटर था आइसी वाटर और प्लेन को तुरंत के तुरंत अबैंडन यानी खाली करना भी जरूरी था the people started to rush toward the gate but then all passengers were not young many of them were old many were women who were badly scared and there were children and babies who clung to their mothers in terror तो वहाँ पे जितने लोग थे सभी जल्दी से जल्दी गेट की तरफ दौड़ जाते हैं लेकिन सारे पैसेंजर यंग नहीं थे उनमें कुछ ओल्ड भी थे कुछ वेमेन यानि औरतें थीं कुछ बच्चे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और डर के मारे वो अपनी मदर से क्लांग यानि चिपक गए थे इट कुड मेक द सिचुएशन वर्स और ये चीज़ें उस सिचुएशन को और भी ज़्यादा बुरा बना रही थी इट वॉज एट दिस आर डैट आवर हीरोड टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द पीपल एंड एनश्योर डैट नो वन वॉज ट्रैव्ड इन द प्लें स्लोली गोइंग डाउन इन टू द वॉटर और इसी समय जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब एक हीरो यानी डेव वहाँ आगे आता है वो डिसाइड करता है कि वही आगे जाकर सारे लोगों को ये इंश्योर करेगा उनको ये बताएगा कि कोई भी यहाँ पर प्लेन में फंसने वाला नहीं है और ना ही ये प्लेन धीरे धीरे वाटर में डूब रहा है यानी उन्हें ढांडस बना दहाने के लिए वो आगे आ गया डेव सीट वॉज नेक्स्ट टू द एग्जिट एग्जिट यानी बाहर निकलने की जगह तो डेव का सीट बिल्कुल वहाँ पे एग्जिट के पास में ही था ही टुक अप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपनी जिम्मेदारी समझी इफ़ ही वॉन्टेड ही कुड हैव सेव्ड हिम सेल्फ वेल इन टाइम बट ही चोज टू हेल्प अदर्स वह चाहता तो वो खुद को आराम से बचा कर वहाँ से निकल जाता लेकिन उसने दूसरों को बचाना ज़्यादा जरूरी समझा ही स्टड विथ वन फुट इनसाइड द प्लन एंड द अदर ऑन द वेट एंड स्लिपरी वे द पैसेंजर क्लाइंग ऑन टू wing. अब देव जो है उसने अपना एक पैर प्लेन के अंदर और दूसरा पैर प्लेन के बाहर रखा जो कि उस प्लेन का भीगा हुआ वेट एंड स्लिपरी काफ़ी स्लिपरी विंग के ऊपर उसका दूसरा पैर पड़ा और वहाँ खड़े होकर उसने क्या किया एज इज़ वन फुट वॉज इन वाटर ही वॉज़ फीलिंग कोल्ड बट ही वॉज़ कॉन्फिडेंट क्योंकि उसका पैर उस विंग के ऊपर था जो कि वेट था पानी में था और वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था तो देव को भी ठंड लग रही थी लेकिन ही वॉज़ कॉन्फिडेंट उसे अपने आप पे पूरा विश्वास था ही हेल्प द पैसेंजर्स वन बाय वन द पायलट हैड ऑलरेडी फ्लैश द इमरजेंसी मैसेज देव ने एक एक करके सारे पैसेंजर की हेल्प करनी शुरू कर दी पायलट ने पहले ही इमरजेंसी मैसेज फ्लैश कर दिया था यानी दर्शा दिया था कि अब ये इमरजेंसी लैंडिंग है एज मोस्ट ऑफ वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव पैसेंजर्स एंड फाइव क्र्यू मेम्बर्स वॉक टू सेफ्टी दे सॉ वन वुमेन इन द बैग एज दाटर लेवल वोली राइजिंग इन द प्लान जब ये वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव पैसेंजर्स और फाइव क्रू मेम्बर्स क्रू मेम्बर यानी उस प्लेन में वर्क करने वाले लोग सभी के सभी सेफ्टी के साथ बहुत ही आराम से बच कर वहाँ से बाहर निकल रहे थे तभी देव ने देखा कि एक वुमन पीछे बैठी थी और ये प्लेन जो है धीरे धीरे वाटर के लेवल में जा रहा था वो नीचे धंसता जा रहा था उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना था शी was स्ट्रगलिंग with द suitcase and एंड पर्स डाउन द आयल एंड ऑन टू द वेट स्लिपरी विंग वो जो लेडी थी वो काफ़ी उसे दिक्कत हो रही थी अपने सूट केस और अपने पर्स को आइल से लेते हो लेकर आते हुए आयल का मतलब है वो रास्ता जो दोनों तरफ की सीट के बीच से गुजरता है और उस स्लिपरी वेट विंग के ऊपर भी उसे काफ़ी दिक्कत होती दे परसोइडेड टू डिस्कार लगेज एज इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर इट एंड द टाइम वॉज ऑलरेडी हार्डली सफिशेंट टू सेव लाइफ देव ने कोशिश की उस औरत को यह समझाने की कि वो लगेज ना लेकर आए क्योंकि ये सही समय नहीं था लगेज को साथ में लाने का इस वक्त तो उन्हें टाइम बचाकर लाइफ बचाना ज़्यादा जरूरी था शी ड्रॉप्ड बोथ इन टू द वॉटर बट देव वॉट अ पर्स फॉर हर एंड हेल्थ हर स्टैंड ऑन टू विंग उसने सभी चीज़ें वाटर में गिरा दी उसके हाथों से छूट गए चीज़ें लेकिन देव ने उस वुमेन का पर्स बचा लिया और उसे भी उस विंग में खड़े होने में सहायता की द पीपल वो पैक्ड ऑन बोथ विंग्स स्ट्रगलिंग टू कीप फुटिंग अब जैसा कि पिक्चर पे देख सकते हैं कि सारे लोग उनके दोनों विंग्स पे खड़े हो रहे थे और खड़े होने की बहुत ही संघर्ष कर रहे थे देर वॉज अ लाइव बोट ऑन द प्लेन विच वॉज डिसेंडेड इन टू द वॉटर अब उस प्लेन से लाइव नीचे उतारा जाता है पानी में द वुमेन वर ग गिवेन अ प्रेफरेंस टू गेट टू सेफ्टी औरतों को पहले आगे जाकर अपने आप को बचाने के लिए कहा जाता है इट वॉज इमीडिएटली फुल टू द कैपेसिटी अब वो पूरी तरह से वो जो लाइव बोट था उसमें जितने लोग बच सकते थे वो कम्प्लीटली फुल हो चुका था वन वुमन कुड नॉट जम्प To the द board because she was holding a nine months old baby boy. एक woman जो है उस लाइव बोर्ड पर जम्प नहीं कर पाई क्योंकि उसके हाथ में उसका एक नन्हा सा बच्चा जो कि नाइन मंथ का था She was afraid to hand over her child to anyone. वो अपने बेटे को किसी और को देने से घबरा रही थी told her टू टॉस द बेबी टू दुमेन इन द लाइफ बोट जस्ट अ मीटर अवे बट शी वूज केयर टू लेट गो ऑफ हेम देव ने उन्हें कहा कि वो अपने बेटे को उन औरतों की तरफ टॉस करे यानी फेंक कर उछाल कर दे दें जो कि जस्ट अ मीटर अवे सिर्फ एक मीटर की दूरी पर लगभग वो औरतें थी लेकिन ये उसके लिए भी तैयार नहीं थी इसे अपने बेटे को खोने से डर लग रहा था द वुमन कुड हैव स्लिप्ड ऑन डेट वेटी इजिली वाइल्ड हर बेबी अब ये लेडी जो है ये वुमन बहुत ही आसानी से क्योंकि उसने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ था और वो चल नहीं पा रही थी तो वो नीचे की ओर गिर सकती थी पानी में शी हैड फॉल इन इन डैट फ्रिजर द बेबी कुड डाइड और अगर वो इस फ्रिजिड यानी इतने बर्फीले पानी में गिरती तो उसका बच्चा भी नहीं बच सकता था इट वॉज़ इलेवन डिग्रीज इन न्यूयॉर्क डैट डे एंड द वाटर टेम्परेचर वॉज जस्ट एवर फ्रीजिंग उस दिन न्यूयॉर्क का तापमान एलेवन डिग्री था और पानी का तापमान फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी बर्फ़ बनाने लायक था उससे भी ऊपर

ये इसके कारण वो लेडी और उसका बेबी दोनों ही बहुत ही सुरक्षित तरीके से उस लाइफ बोट में पहुंच पाते हैं एज फेरी बोट्स केम एंड द पीपल वर वेस्क्यूड टू सेफ्टी डेव एन श्योर डैट ऑल पीपल वर टेकन टू सेफ्टी बिफोर ही हिमसेल्फ जम्प्ड इन टू वन ऑफ द फेरी बोट्स फेरी बोट यानी छोटे बोट जो उन बच्चों उन सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए आए थे तो वहाँ पे फेरी बोट्स आते हैं और सारे पीपल वहाँ पर सेफ्टी से बचकर चले जाते हैं डेव पहले ये पूरी तरह से इंश्योर करता है कि वहाँ कोई भी बचा ना हो सभी लोग प्लेन से उतर चुके हों सभी फेरी बोट में पहुँच गए हों तभी वो भी लास्ट में फेरी बोट में जंप करता है दो ही हैड प्लेड स्मॉल रोल येट इट वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज कीपिंग द पीपल इन राइट स्परिट एंड काम स्टेट ऑफ माइंड हेल्प ऑल ऑफ देम टू स्टे अ लाइफ इन सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन देव ने भले ही छोटा सा रोल किया उसने बहुत ही छोटा सा काम किया लेकिन यह काम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस समय पीपल जितने भी लोग थे वो सभी डरे हुए थे उनको राइट right स्पिरिट, उनको सही तरीके से समझाना उनके दिमाग को शांत करना ये काम उसने किया और जब किसी भी स्ट्रगलिंग टाइम में हम किसी को काम डाउन कर दे, उनको धैर्य बढ़ा दे, तभी वो जिंदा रह सकते हैं ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में ऐसे संघर्ष के वक्त में अगर देव आगे आकर उनको यह इंश्योर नहीं करता कि आप सब सेफ़ हैं और आगे भी सेफ रहेंगे घबराने की कोई बात नहीं है अगर उसने ऐसा न किया होता तो शायद ये 155 लोग और क्यू मेंबर्स बचते ही ना तो यही होता है एक रियल हीरो का इम्पोर्टेंस।